आज मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको HCF और LCM निकालने की शॉर्ट ट्रिक। जी हाँ, शॉर्ट ट्रिक, जिसकी सहायता से आप किन्हीं भी नंबर का LCM और HCF बहुत जल्दी क्विकली शॉर्ट में निकाल सकते हैं। तो HCF और LCM निकालने से पहले सीखने से पहले ही समझेंगे कि HCF और LCM का मीनिंग क्या होता है। आइए समझते हैं इसको। HCF और LCM, यहाँ पर देखिए, ये लिखा मैंने HCF। तो HCF की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके नाम से ही मालूम चल रहा है, आपको रटने की जरूरत नहीं। यहाँ पे है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि हमें करना क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब समझिए, जो फैक्टर में यानी कि उसके फैक्टर में जो सबसे बड़ा कॉमन होगा वो लेंगे। हाईएस्ट में सबसे बड़ा, कॉमन मीन्स वेनिस्ट, और फैक्टर यानी 8 के फैक्टर और 12 के फैक्टर में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हम कहलाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो, 8 का जो फैक्टर किया मैंने, कितने क्या होंगे, 1, 2, 4 और 8। फैक्टर का मतलब ये है कि ऐसे वो सब पहाड़े जो 8 को काट रहे हो, तो एक तो 1 काट रहा है, 1, 2 काट रहा है, 1, 4 काट रहा है और 8 काट रहा है, ये कहलाते हैं 8 के फैक्टर। जरा ध्यान देंगे, ये प्राइम फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर है। प्राइम फैक्टर में क्या होता है, ये नहीं आते हैं। प्राइम फैक्टर वो आते हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अब दूसरा देखिए, ये 12, ये 12 के फैक्टर है, तो 12 के क्या फैक्टर होंगे जो इसको काट दे, क्या क्या काट सकता है, 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 3 काट सकता है, 4, 6 और 12। तो ये है इसके फैक्टर। अब इन फैक्टरों में जो सबसे बड़ा कॉमन होगा वो कहलाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए, ये कॉमन तो एक ये भी है लेकिन ये बड़ा तो नहीं है, एक कॉमन ये भी है लेकिन ये भी बड़ा नहीं है, एक कॉमन ये वाला भी है। अब देखिए, उससे आगे कोई कॉमन हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे एक कॉमन ये बना, एक ये बना और एक ये वाला बना। तो हमें ये देखना है कि इन तीनों कॉमन में सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये। तो इसका HCF कितना हुआ, HCF बराबर हुआ 4। बात समझ में आ गई। एक और पहचान है कि इसमें जो होंगे वो फिक्स होंगे और जो LCM होगा उसमें इनफाइनाइट तक होंगे। देखिए, ये इनफाइनाइट तक होंगे, तो इसमें क्या देखना है, हमें फैक्टर में नहीं देखना है, इसके जो मल्टीपल होंगे यानी जैसे 8 और 12, यहाँ देखिए 8 ये 12 है, ये 8 और 12 के फैक्टर है, ये 8 और 12 के मल्टीपल है। तो इसमें मल्टीपल यानी कि जो मल्टीपल होगा उसमें कॉमन देखना। अब वो भी कौन सा कॉमन देखना, सबसे कम वाला, क्योंकि मैक्सिमम वाला तो हमें परिभाषित नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ जाके मिलेगा, लेकिन लिस्ट वाला मिल सकता है, इसलिए बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो, कॉमन ढूंढिए सबसे पहले, तो 8 इसमें देखिए 12, तो 12 इसमें है नहीं। उसके बाद देखिए 24 है एक तो कॉमन, उसके बाद है देखिए यहां पर आ गया 48 है कॉमन, उसके बाद 72 है कॉमन। देखिए इस तरह आगे भी इनफाइनाइट तक जाने कितने कॉमन होंगे, तो हमें सबसे मतलब नहीं है। इसमें जो सबसे पहला कॉमन होगा, तो सबसे पहला कॉमन है भाई मेरे ये। तो LCM कितना हो गया इसका, LCM बराबर हो गया 24। तो मैं समझता हूँ आपको LCM और HCF का मतलब समझ में आ गया होगा। LCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा वाला फैक्टर कॉमन, और इसमें क्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब सबसे छोटा वाला मल्टीपल, सबसे छोटा वाला मल्टीपल कॉमन, ये वाला देखिए। क्लियर, मल्टीपल में इनफाइनाइट तक लिखे होंगे और जो फैक्टर हुआ उसमें फिक्स होंगे। ये जहां पर एंड होता है ये वहां से शुरू होता है, ये भी आप पहचान कर सकते हैं। तो अब मैं इन दोनों की शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा HCF और LCM निकालने की। चलिए, अब मैं सिखा रहा हूँ आपको LCM और HCF निकालने की शॉर्ट ट्रिक। तो यहाँ पर देखिए, दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं मुझे HCF और LCM निकालना। तो सबसे पहले तो आपको बताता हूँ मैं LCM कैसे निकालते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये नंबर दे रखे हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर इसमें सबसे बड़ा वाला नंबर को हमें नोटिस करना, अगर बड़े वाले नंबर को छोटे नंबर पूरे पूरे काट रहे हैं, जैसे देखिए 16 चौका 64, 32 दूनी 64, 5 3 15, 10 और ये नहीं काट रहा, अगर ये पूरा पूरा काट रहा है तो LCM हो गया, LCM बराबर हो गया 64। डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, 5 तो काट रहा है लेकिन 10 नहीं काट रहा, तो जब 5 काट रहा तो इसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 15 को देखिए, अब 15 को नहीं काट रहा तो 15 का डबल कर दीजिए, 15 का डबल कितना होगा, 15 का डबल हो जाएगा 30, 30 को काट रहा है, 10 3 30, तो इसका मतलब LCM हो गया इसका, LCM बराबर 30। तो अगर डबल भी नहीं कटता तो हम इसको ट्रिपल करते, फिर 4 गुना करते, यानी उसको 1 2 3 4 5 ऐसे मल्टीप्लाई करते जाते हैं, कब तक, जब तक कि इससे पहले वाला इसको पूरा पूरा न काट दे। तो इसका LCM हो गया 30। आप देखिए HCF कैसे निकालते हैं, HCF हमें इनका निकालना, तो क्या करना, तो HCF निकालने के लिए पहले लिखेंगे हम ऐसे 16 32 और 64। अब देखो क्या करना है, LCM निकाल देते हैं। तो फटाफट यहाँ पर जो है पहले छोटे छोटे पहाड़े से काटेंगे,
कट रहा है यहाँ पर देखिए, चार से, चार चौक 16, चार अट्ठे 32, चार एकम चार, चार छंग 24, और काट देते हैं चार से, चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार चौक 16। अब यहाँ पर जब ये तीनों कटने बंद हो जाएं, बस वहीं पर हमें छोड़ देना, तो कुल मिला के ऐसा आ गया चार चौक 16। तो एस सी एफ कितना आ गया, एस सी एफ बराबर 4 × 4 यानी कि 16 इसका एस सी एफ आ गया। अब देखिए हमें इसी तरह इसका एस सी एफ निकालना, तो इसका एस सी एफ निकालेंगे वही काम करना, 5, 10 और 15। तो हमें क्या करना, 5 से 5 5 5 5 10 5 3 15। अब देखिए ये तीनों किसी एक टेबल से नहीं कट रहे हैं, तो इसका एस सी एफ आ गया 5, तो एस सी एफ बराबर 5। तो इस तरह से हम जो एल सी एम और एस सी एफ लेते हैं। तो अब हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, तो मैं एक और एग्जाम्पल करा रहा हूँ इसका, जरा ध्यान से समझना, अगर पहले समझ में नहीं आया तो इसको ध्यान से समझ लेंगे। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा इनका एलसीएम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 13 है वो अभाज्य संख्या इसमें दे दिए, प्राइम नंबर यहाँ दे दिया है, तो इसका तरीका क्या करने का, एलसीएम निकालने का, जिससे ये पूरा प्रोसेस बड़ा नंबर यहाँ पर नोट कीजिए, बड़ा नंबर है 28, तो 7 से ये पूरा पूरा कट रहा है तो इसको यहाँ से हटा दीजिए, 14 से ये पूरा पूरा कट रहा है तो इनको हटा दीजिए। अब बात रहती इनकी, तो बस इनका जो एलसीएम होगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा, तो 13 8 6 104, 13 2 26 10 36, यानी ये आ गया इसका एलसीएम 11। देखिए अब यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा नंबर ये है, 6 से पूरा कट रहा, 12 से नहीं कट रहा, 15 से कट रहा, तो आप क्या करेंगे इसका डबल कर देंगे, तो इसका डबल कितना होगा, 60। तो डबल करेंगे तो देखो 6 × 6 = 12, 5 = 60, 15 × 2 = 60, तो कट रहा, तो ये हो गया एलसीएम बराबर 60। अब हम इसका निकालते हैं एस सी एफ, तो एस सी एफ कैसे निकालेंगे वो अभी मैंने बताया था आपको, पहले इसको लिखेंगे और देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में ही वो किसी से नहीं कट रहा, ये चारों कोई भी टेबल ऐसा नहीं है जो चारों से कट जाए, तो ऐसी स्थिति में एच सी एफ बराबर हो जाएगा 1। अगर वो किसी से नहीं कट रहे हैं, किसी भी टेबल से सारे के सारे नहीं कट रहे हैं, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे एस सी एफ 1। अब यहाँ पर देखिए इसका एस सी एफ निकालने के लिए हमें वही करा, पहले पहले ये लिख दिया और यहाँ से इसको काटना चालू कर दिया। देखिए कितने से काटें, सबसे छोटा वाला पाड़ा, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, नहीं 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 से, 3 × 6 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15 और 3 × 9 = 30। अब देखिए कोई और टेबल है जो सबको काट दे, और कोई भी पाड़ा इसमें ऐसा नहीं है जो सबको काट दे, तो इसका क्या हो गया एस सी एफ बराबर 3। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में आपके जो फ्रेंड है उनको शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।